व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री हैं, जैसे जगनी है अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी, स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जागनी को हैरानी होती थी कि लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीजों को उन जगह से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते हैं और या फिर इन मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जैसे कि यहाँ सामानों को समुद्र जहाजों या सड़कों से रोम पहुंचाते थे और दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जाता है के प्रांगण में हमें संगम कविताओं में भी मिलता है। जैसे समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर की मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यहाँ पर व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिम तटों पर पहुंचना चाहते थे जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में बात करते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ और नदियों के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संगम कविताओं में मुनवेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया या इसका प्रयोग है तीन शासक परिवारों के मुखियों से किया जाता है। ये चोल, चेर और पांड्य थे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। इन तीनों मुखियों के अनेक दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। इन चोलों का पतन पुहार और कावेरी पट्टम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै में हुआ है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर किनने के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों से शुल्क वसूला करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों या कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके अलावा 2200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी वल्लभी के एक प्रलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणा पंथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर से आने जाने वाला रास्ता होता है। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी हैं। रेशम मार्ग की कहानी के बारे में बात करें, कीमती और चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनाया बनावट की बजाय रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई जाती है और फिर इससे कपड़ा बनाया जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7,000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया में से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे
वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से शुल्क, यात्रा शुल्क भी यहाँ पर मांगते थे। तो सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को हम देख सकते हैं। कुछ शासक अपने बड़े बड़े हिस्सों पर इसका नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से भी सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। करीब 200 साल 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम भारत पर इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का कुछ हिस्सा था। इसके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के एक मुहाने के पतनों तक जाती है, फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुंचता है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुछ शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते हैं। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग कठिन था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं हैं और क्या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। उसे 3900 साल पहले शासन किया था कनिष्क ने। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिससे में एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बौद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अवशेष अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र यहाँ पर बताया गया है, सांची के स्तूप का। और यहाँ पर यह एक वृक्ष और उसके नीचे खाली स्थान को हम देख सकते हैं। वृक्ष के नीचे खाली स्थान है यहाँ पर। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह कि मूर्ति बनाई थी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठे कर ध्यान करते हुए हुई थी, इसलिए इस मूर्ति को बनाया गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इसमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्ध सत्व में आस्था को लेकर आया। बौद्ध सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा बनाई गई। इसमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती हैं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। जैसे यहाँ पर हम देखें, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा बताई गई है, और एक यहाँ पर बताई गई, ये तो मथुरा में बनी हुई है बुद्ध की प्रतिमा, और ये साइड में है, ये प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया है। तो इनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है, ये हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भगवान बुद्ध को पूर्ण कपड़ों के साथ और बैठी हुई अवस्था में बताया गया है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को खड़ी हुई अवस्था में बताया गया है, यहाँ पर आसन अवस्था में बताया गया है भगवान बुद्ध को, यहाँ भगवान बुद्ध को बताया गया है। फिर हम देखें, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था। फिर हम कार्ले की गुफा है ये महाराष्ट्र की, ये बताई गई है।
निकल पड़ते थे। तो तीर्थ यात्री क्या होते हैं? तीर्थ यात्री भी स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियन काफी प्रसिद्ध था। यह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन त्यांग 1400 साल पहले भारत आया था, यानी पहले चीनी बौद्ध यात्री तीर्थ यात्री आया था फासियन, और उसके बाद में सेन त्यांग 1400 साल पहले भारत आया था। उनके करीब 50 साल बाद इत सिंह आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जा सकते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा था उनके बारे में उन्होंने लिखा है। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे कि फासियन अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे और एक समुद्री तूफान में फंस गए थे। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंक कर जहाजों को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर उसकी एक पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम की दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में 90 दिन से भी ज्यादा लगे थे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका और उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा था। तो यहाँ पर जो फासियन ने रास्ता अपनाया है उसको हम देख सकते हैं मानचित्र में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फासियन अपनी पांडुलिपि और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहते थे, क्योंकि उन्हीं के लिए वो आए थे। यहाँ पर उन्हीं की चीजों को देखने के लिए आए थे। सेन त्वांग भूमार्ग उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उन्होंने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपि एकत्रित किए। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया और इनमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। सेन त्यांग व अन्य तीर्थ यात्री उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया, और इसमें नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे जिनके युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। इनमें से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वान त्वांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे, इनका कारण हम बता सकते हैं। भक्ति की शुरुआत के बारे में बात करें कि यहाँ पर ये बराह के रूप में भगवान विष्णु का बराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था, और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। फिर हम बात करें भक्ति की शुरुआत के बारे में। इन्हीं दिनों देवी देवताओं का पूजन चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म का एक प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत के अध्याय 12 को हम देख सकते हैं। यह एक किस्सा है जिसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। मूर्ति का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। फिर
लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों में यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाती है तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में ही आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति क्या है? भक्ति बज शब्द से बनाया, इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर संबंध है। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुखों शिव के दास बन जाए तो मैं उसकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। देवी देवता इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों या ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। जिस तरह होते हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन है वे लोग जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर को संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को पश्चिम एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबूर चेल और पांडे लगभग 2300 साल पहले की बात है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले की बात है। कुषाण शासक कनिष्क के 1900 साल पहले की बात है।